गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सारे लोग अच्छे से होंगे। सो हियर आई एम अगेन विद कंटिन्यूएशन ऑफ आर यूपीटीजीटी पीजीटी इंग्लिश स्पेसिफिक क्विजेस। सो 38 तक हम लोगों ने कर रखा था पहले व्हेन वी वर डूइंग दीज क्विजेस, और आज से कंटिन्यू कर रहे हैं विद आर क्विज नंबर 39। तो हमारे साथ हैं अमित, राम, सूरत, रिंकू, वेलकम है, गुड मॉर्निंग है सभी का सेशन के अंदर। एंड जिन लोगों ने पहले क्विजेज अटेंड कर रखे हैं दे नो द फॉर्मेट। वी विल बी कवरिंग 25 क्वेश्चंस एंड लिटरेचर पे ज्यादा फोकस है। कपल ऑफ क्वेश्चंस कभी कभी ग्रामर से वोकैबुलरी से हो सकते हैं, पर ज्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं? लिटरेचर वाले सेगमेंट से। और एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे, ऑप्शंस में से राइट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं ठीक हूँ पूनम, बहुत बढ़िया। और जो लोग नए होंगे और आपने पहले क्विज नहीं अटेंड करा है, यू कैन गेट योर प्रीवियस क्विजेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो आपकी ये क्लास है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज नंबर 1 से लेके क्विज नंबर 38 तक के लिंक्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हो वहां से। ठीक। सो 39 एंड एज पर आर टाइम टेबल हमारे 39 में क्या कवर होना था? क्विज नंबर 39 वॉज सपोज टू बी अबाउट क्रिटिसिज्म या क्रिटिक्स रिलेटेड टू योर टीजीटी सिलेबस राइटर्स। सो टीजीटी के सिलेबस में हमारे कौन कौन से राइटर्स हैं? विलियम शेक्सपियर हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, मिल्टन हैं और गैल्सवर्दी हैं। सो इन चारों से रिलेटेड व्हाट अदर पीपल हैव टू से, या उन्होंने पहले क्या स्टेटमेंट्स बोले हुए हैं, या उनके वर्क से रिलेटेड उनके कौन से कुछ हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई प्रेज है, या किसी और ने वर्क लिखा है इन चारों राइटर्स के ऊपर। तो वो वाले इंफॉर्मेशन आज के क्विज के अंदर कवर होगा। क्लियर है ना? वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दी राइटर्स वर्क, वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट अदर्स हैड सेड और मेंशनड और कोटेड अबाउट दीज फोर राइटर्स। कौन कौन से? शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और गैल्सवर्दी। शुरू करें? कुलदीप, अगर आप नए हैं तो पिछले सारे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो 38 ऑलरेडी हो चुके हैं, एक एक करके आराम से देख लीजिएगा। एंड टुडे वी आर गोइंग अहेड विद क्विज नंबर 35 39। और ये रहा हमारे स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एंड आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। सो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको क्वेश्चन का पैटर्न या फॉर्मेट, या कुछ एक चीजें आपको नई भी आ रही होंगी, सो ध्यान रखते चलेंगे, आगे के लिए याद रखेंगे। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर्ड टू शेक्सपियर बाय। सो एक चीज तो यहाँ पे याद रखेंगे, शेक्सपियर के लिए ये वाली बात कही गई है, क्या? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कहा किसने है। ऑप्शंस हैं क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, जॉन कीट्स और टीएस एलियट। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। उमेश, कुलदीप, वीना, शिवानंद, आरती जी, कुलदीप सागर। आंसर बता रहे हैं फर्स्ट के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है बिल्कुल। तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलिए। फर्स्ट के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है याद रखेंगे। शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन एंड ग्रीक एंड लेस ग्रीक इस वाली चीज के साथ किसने कोट करा हुआ है? ऑप्शन बी, बेन जॉनसन ने। गुड मॉर्निंग संजय। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, हू सेड। तो ये थोड़ा हमारा लंबा स्टेटमेंट है। नेट नेट क्या कह रहे हैं कि भाई विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मेरे ऊपर बना है और किसी का ऐसा नहीं है। एंड ऑप्शन में वी आर हैविंग लॉन्ग, गुथ, ग्रीन और जॉनसन। बेन जॉनसन अगेन मैंशनड है। सो 2 के लिए प्रतिभा इज सेइंग बी, अमित, हेमंत भी बी कह रहे हैं, कुलदीप बी, एक आध लोग का मुझे सी और ए भी दिख रहा है। जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 के लिए, बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 इज फोकसिंग ऑन गैल्सवर्दी। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 गैल्सवर्दी के ऊपर फोकस करा, 1 एंड 2 शेक्सपियर के ऊपर था। 3 है, गैल्सवर्दी मेट हिम इन 1893 एंड फॉर्मड ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विथ हिम, आइडेंटिफाई हिम। ऑप्शंस में है हमारे सामने जॉन सेंट जॉन, डेविड रॉबर्ट्स, जोसेफ कॉनराड और विलियम फेल्डर। आई होप चारों नाम आपको सुने हुए लग रहे होंगे एंड बिल्कुल अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे
फर्स्ट वाले ऑप्शन में व्हाट इज दिस नेम रिप्रेजेंट्स, सेकेंड वाला कहाँ से है कौन है, थर्ड वाला कहाँ से है कौन है, एंड फोर्थ वाला कहाँ से और कौन से है. सो आप लोग जो लोग भी आंसर्स कर रहे हैं अगर डिटेल में मेंशन कर पाए सो प्लीज डू सो. फर्स्ट वाले से आपको क्या याद आ रहा है, सेकेंड से क्या याद आ रहा है, थर्ड से क्या, एंड फोर्थ से क्या, इसमें से एक हमारा राइट आंसर है. सो व्हाट अबाउट अदर थ्री, अदर थ्री आर ऑल्सो रिलेटेड विद ग्यालसवर्दी. यहाँ पे कुछ भी इमेजिनरी नेम नहीं है, चारों ग्यालसवर्दी से रिलेटेड है बट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर. निराली वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, मनीता कुमारी ने आंसर दिया हुआ है, बाकी लोग भी आंसर दे रहे हैं करेक्ट. सो थर्ड के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है. एंड व्हाट अबाउट अदर ऑप्शंस, ए किस बारे में, निकनेम, यस. सो जो शुरू के वर्क हैं वो कौन से नाम के साथ पब्लिश हुए थे, ऑप्शन ए जॉन सेंट जॉन, एंड डेविड रॉबर्ट्स एंड विलियम फाल्डर, ये कैरेक्टर्स हैं ग्याल्सवर्दी के वर्क से. एंड आई होप आप, ये सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं या मेन कैरेक्टर्स हैं, सो आई होप आपको याद होगा कौन से वर्क से दिए गए हैं, ये जरूर पता होना चाहिए. ओके, ब्रजेश मिश्रा बिल्कुल आंसर दे रहे हैं, मनीता कुमारी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4. द हीरोज ऑफ मिस्टर ग्याल्सवर्दीज ड्रामास आर द अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस. अगेन एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है किसने कहा है. ऑप्शंस हैं हमारे सामने, रुडयार्ड किपलिंग, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एल्डीस निकल और जेम्स जॉयस. तो याद रखेंगे यहाँ पे जितने भी हमारे चारों ऑप्शंस हैं एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से चारों अच्छे से क्लियर होने चाहिए हमें ग्याल्सवर्दी से रिलेटेड. लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 4, बताएंगे किसका स्टेटमेंट है. हाँ जी शिखा त्रिपाठी बिल्कुल वैलिड पॉइंट. करण गुड मॉर्निंग. 4 के लिए सी, यस करेक्ट, राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी. तो याद रखिए स्टेटमेंट, एंड याद रखिए किसने कहा है, एंड याद रखिए किसके लिए कहा है, तीनों चीजें, स्टेटमेंट अबाउट ग्याल्सवर्दी एंड बाय होम, है ना. सी ऑप्शन करेक्ट है 4th के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेक्सपियर. हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709. सो काफी सारे हैं लेकिन सबसे पहले वाले वर्क की बात की जा रही है कि सबसे पहले ये वाला किसने लिखा था, समथिंग रिलेटेड टू लाइफ ऑफ शेक्सपियर. एंड स्टीफन ग्रीन ब्लैट, कैरोलाइन स्पर्जियन, निकोलस रो और टीएस इलियट, चार ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए. तो 5 के आंसर आप बताते चलिए, तब तक मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं आपके लिए. स्टीफन है फर्स्ट ऑप्शन, देन कैरोलाइन, देन थर्ड वन निकलस एंड टीएस इलियट. आई होप ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा. सो इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर यहां से कंप्लीट कर लेंगे. कैरोलाइन का कौन सा वर्क है, शेक्सपियर्स इमेजरी. एंड निकलस इज आर राइट आंसर. सो 5 के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी. जिस वर्क के ऊपर बात किया जा रहा है किसने लिखा है, निकोलस ने लिखा है लाइफ ऑफ शेक्सपियर. एंड टीएस एलियट को याद रखेंगे फॉर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. सो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स फेमस है, होपफुली ये आपको याद होगा. बाकी के जो दोनों ऑप्शंस हैं याद रखिए. स्टीफन का कौन सा वर्क है,
रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, ऑन पोएटिक्स ऑफ कल्चर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर, एंड कैरोलाइन का वर्क है शेक्सपियर्स इमेजरी। निकोलस वाला मैंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, लाइफ ऑफ शेक्सपियर कब का वर्क, 1709 का। तो 5 के लिए सी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट 4 बुक्स, द व्हील ऑफ फायर, द इंपीरियल थीम, द शेक्सपियर टेम्पेस्ट, शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। सो क्रिस्टोफर मार्लो है, चार्ल्स लैम्ब और मेरी लैम्ब, विल्सन नाइट एंड बेन जॉनसन। 6 के लिए सी बता रहे सारे लोग, बहुत बढ़िया। सो राइट आंसर है सी। एनी वर्क फ्रॉम चार्ल्स लैम्ब एंड मेरी लैम्ब बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स, है कुछ ऐसा लिखा है कुछ चार्ल्स और मेरी ने? लेट मी नो लिखा है या नहीं लिखा है, और अगर आपको पता है कि हाँ लिखा है तो व्हाट इज द राइट आंसर। 6 के लिए एडिशनल क्वेश्चन करेक्ट है, 6 के लिए ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो मिल्टन, इट अपियर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु सेड। सो इस वाले स्टेटमेंट का फोकस मिल्टन के लाइफ के ऊपर नहीं है, दिस लाइन इज फोकसिंग ऑन कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा ग्रैंड तरीके से प्रेजेंट करा है किसको, सेटन को। सो उसके रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए ये वाली बात कही जा रही है कि मिल्टन इज नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, बट समहाउ इट सीम्स लाइक ही बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी। तो ये आपका फिक्स स्टेटमेंट है, मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, एंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु सेड इट, फ्रैंक कर्मर्ट, विलियम एम्सन, सी एस लुविस एंड विलियम ब्लेक। 7 के लिए यस परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन डी, और ये जो मैंने लिखे थे ये आपके 5 से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 5 से। स्वाति जो भी आपका क्वेश्चन होगा ना क्लास के बाद कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड दाय सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड वेल्ट अपार्ट। सो ये सबको आना चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको इसका आंसर ना आता हो। वेरी पॉपुलर वर्क, एंड किसका वर्क है ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए ये लाइन लिखी गई है ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो आई बिलीव ये बिल्कुल सबको अच्छे से आता होगा। 8 किसकी लाइन है, Who said thy soul was like a star and dwelt apart? Wordsworth, Coleridge, Shelley या फिर Keats? Wordsworth. और किसके लिए कहा है? So, मतलब मेरे क्वेश्चन में आपको आइडिया लग रहा होगा कि 7 and 8 both is focusing on the same writer. पर एग्जाम के perspective से याद रखिएगा, क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, दिस लाइन इज लाइक सेड बाय वर्ड्सवर्थ और रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, वेर इन ही इज प्रेजिंग डैश और टॉकिंग अबाउट डैश। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, मिल्टन के बारे में, एंड वर्क का नाम भी याद रखेंगे। सो दिस इज लाइन फ्रॉम द पोयम, एंड हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। सो वर्क का नाम किसके लिए है एंड किसने लिखा है, एंड ऑल्सो दिस लाइन, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, मिल्टन, मिल्टन परफेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट शेक्सपियर्स हेनरी दी 8। सो आई होप आपको याद होंगे प्लेस, प्लेस के कैटेगराइजेशन। सो हेनरी दी 8, इट इज सेड दैट हेनरी दी 8 इज कंबाइंड वर्क ऑफ शेक्सपियर एंड डैश। तो ये भी 100% जितने लोग हैं यहाँ पे सबको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, फ्रांसिस बेकन एंड जॉन फ्लेचर। वर्ड्सवर्थ टू मिल्टन, हाँ जी अरुण बिल्कुल सही। 9 के लिए करेक्ट, फ्लेचर। और एक और कौन सा वर्क है जिसके लिए आप जॉन फ्लेचर को याद रखेंगे? सो हेनरी द एट इज फाइन, जॉन फ्लेचर, ये अज्यूम किया जाता है कि ये जो हमारे एंड वाले वर्क्स हैं इसमें विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर ने मिलके ये वाला वर्क लिखा है हेनरी द एट। कौन सी कैटेगरी के आता है? हिंदी हिस्ट्री के अंदर आता है। बट देयर इज अनदर प्ले जो ज्यादा पॉपुलर है फॉर दिस क्वेश्चन कि शेक्सपियर और फ्लेचर ने मिलके इस वाले प्ले को लिखा था, उस वाले प्ले का नाम बताइए। हेनरी द एट से ज्यादा वो वाला वर्क इम्पोर्टेंट है।
नाइन के लिए हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा वर्क? दो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल ऐसे फेवरेट वाले, वर्क नॉट इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो एंड कंबाइंड वर्क ऑफ शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर बताएंगे। सो 10 के आंसर्स आ रहे हैं, 10 देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलिनस आर बेस्ड ऑन ओलिंसेट्स क्रॉनिकल्स, फोक टेल्स एंड लेजेंड्स, ओल्ड रोमन प्लेस, प्लूटार्क्स लाइफ्स। 10 के लिए डी करेक्ट है, यस ध्यान रखेंगे, ये याद रखेंगे जिनको नहीं पता है। और 10 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। रिचर्ड द थर्ड? नहीं, थोड़ा और सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, फर्स्ट फोलियो के अंदर पेरिक्लीज ना इंक्लूडेड था, और जॉन फ्लेचर के लिए किसको याद रखेंगे? टू नोबल किंग्समैन, कंबाइंड वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर। सो ये उस 37 में इंक्लूडेड नहीं है, ये उसके बाद का है, प्लस वन है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 100% सही जी, करेक्ट। एंड अगर पिछले वाले क्वेश्चन में आप जाओ, सो उस वाले क्वेश्चन के अंदर जूलियस सीजर वाज इंक्लूडेड, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा वाज इंक्लूडेड एंड कोरियोलेनस वाज इंक्लूडेड। सो विलियम शेक्सपियर के केस में देयर आर फोर रोमन प्लेस, कौन सा मिसिंग था? एंड उसके पीछे का भी रीजन है कि क्यों उस वाले वर्क, उस वाले नाम को वहां पे इंक्लूड नहीं किया गया। बट देयर आर फोर रोमन प्लेस एंड तीन मेंशन थे उस वाले क्वेश्चन के अंदर, कौन से प्ले को वहां पे इंक्लूड नहीं किया गया है, विच बिलोंग्स टू रोमन प्लेस कैटेगरी, वो भी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? सो गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर वी आर प्रोवाइडेड विथ टू स्टेटमेंट्स, दोनों सेम पर्सन का है और आपको आंसर बताना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, क्रिस्टीना जॉर्जीना रोजेटी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। फॉर क्वेश्चन नंबर 11, टेनिसन, यस याद रखेंगे। 11 के लिए डी, किसने कही है ये सारी बातें? टेनिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन, देयर इज लिटिल ग्रीफ वॉज सैम्यूल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोयम, विच पोयम वॉज इट? सो एक तरीके से इसमें आपको दो चीजें बतानी है कि एक तो सैम्यूल जॉनसन ने कौन से राइटर के लिए ये वाली बात कही है, एंड ऑल्सो फॉर विच वर्क, राइटर प्लस वर्क दोनों आपको बताना चाहिए, देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शंस में है हमारे पास विलियम शेक्सपियर, वीनस एंड एडोनिस, एंड दोनों लॉन्ग नरेटिव पोएम्स का नाम याद रखेंगे, किसको डेडिकेटेड है याद रखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ, सॉलिटरी रीपर, मिल्टन सिलिसिडास, एंड गैल्सवर्दी, द स्किन गेम। द स्किन गेम इज नॉट ए पोएम है ना, सो ऑप्शन डी क्रॉस आउट हो गया। ए बी और सी में से बताइए, क्योंकि साफ साफ मेंशन है सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ ए फेमस पोयम, एंड विच पोयम वॉज इट, कौन से के लिए? लिसिडास के लिए, यस। सो राइटर है मिल्टन एंड उनका वर्क है लिसिडास, पूरा इंफॉर्मेशन रिलेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्या लग रहा है, आ रहे आंसर्स? ये बिल्कुल ट्रैक से हट के क्वेश्चंस हैं, एक भी इसमें ऐसे नहीं है कि वर्क की लाइन है, वर्क का जॉनर पूछा जा रहा है, वर्क का ईयर पूछा जा रहा है, पर ये थोड़ा सा अलग हट के कि व्हाट पीपल सेड अबाउट दीज राइटर्स, या उन्होंने इनसे इंस्पायर्ड होके कौन से वर्क्स को लिखा है। सो इंक्लूड कर सकते हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन क्रिटिसिज्म। क्विज नंबर 40 के अंदर क्रिटिसिज्म अगेन टॉपिक होगा, बट वी विल बी फोकसिंग ऑन पीजीटी राइटर्स। आज चार हैं और क्विज नंबर 40 के अंदर आपके 17 राइटर्स रहेंगे जो पीजीटी यूपी पीजीटी के सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 13। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर? सो इस वुमेन राइटर ने अपना एक वर्क लिखा और उसके अंदर एक इमेजिनरी कैरेक्टर को डेवलप करा जूडियथ को, और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया दैट जूडियथ इज
सिस्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर. सो फिक्शनल कैरेक्टर, इमेजिनरी कैरेक्टर, एंड आपको राइटर बताना है. जॉर्ज जिलियट, वर्जीनिया वुल्फ, आयरिस मर्डक और फ्रांसिस बर्नी. वर्जीनिया वुल्फ. यस. 13 के लिए ऑप्शन बी है ना. अ रूम ऑफ वंस ओन वर्क का नाम है. अ रूम ऑफ वंस ओन. क्वेश्चन नंबर 14. ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज अ लॉन्ग एसे बाय जी विल्सन नाइट, ए सी ब्रैडले, थॉमस डी क्विंसी और एफ आर लिविस. वर्जीनिया वुल्फ करेक्ट है. तो अभी किसी ने तारीफ करी थी, फेबुलस मुझे दिखा, नाम आपका मिस हो गया. सो थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट लिखा था. 14. ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ सी, और लक्ष्मी भी सी बता रहे हैं और संजय भी सी. वट अबाउट अदर्स? ठीक है भाई, सारे लोग अग्रीमेंट में हैं. 14 के लिए सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. पढ़िए और ट्राई कीजिए. हु वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज? सो वर्ड्सवर्थ की एक ये थे थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, और किसी अपने ही ग्रुप में से सबसे पहले किसी ने क्रिटिसाइज करा था वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को. काफी लोगों ने करा है, बट दिस क्वेश्चन इज फोकसिंग ऑन द फर्स्ट वन टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन दिस वर्क. और ये वर्क का नाम क्या है? बायोग्राफिया लिटरेरिया. सो एक तरीके से आपको हिंट भी है, इफ यू नो हु हैज रिटन दिस वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. अगर नहीं पता है तो राइटर का नाम और राइटर का वर्क दोनों याद रखेंगे, जिसके अंदर वर्ड्सवर्थ के थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया वेरी फर्स्ट टाइम. कॉलरिज? यस. रिंकू कनौजिया, यूपी टीजीटी के क्वेश्चंस का लेवल वैरी कर सकता है, पेपर टू पेपर वेरिएशंस देखने को मिले हैं. कई बार ये लोग बिल्कुल सिलेबस स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और कई बार सिलेबस से बाहर जाके दूसरे राइटर्स के बारे में भी पूछ रहे हैं. पर उस चीज को लेके अपने आप को टेंस्ड मत करिए. इस समय आपको मतलब एकदम लास्ट कोई चीज चाहिए तो वो है स्ट्रेस. स्ट्रेस मत लीजिए, जितना तैयार है उसको अच्छे से तैयार करते चलिए, और हम ही आप में से लोग सेलेक्ट होंगे. तो बस मेहनत करिए, है ना. बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना. 15 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए, कॉलेज. अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो सभी के लिए होगा, है ना. उसी के बेसिस पे रिजल्ट्स आएंगे. तो ऐसा नहीं किसी के साथ पार्शियलिटी होगी. बिल्कुल भयंकर वाले, बम्पर वाले क्वेश्चन आ गए तो भी सभी के लिए आएंगे, और एकदम वन लाइनर आसान वाले आ गए तो भी सभी के लिए आएंगे. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. द प्रिल्यूड प्लेसेस, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन कम स्पेस ले, इसके लिए मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा है. जहां जहां आपको डब्ल्यू दिख रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स विलियम वर्ड्सवर्थ. द प्रिल्यूड प्लेसेस वर्ड्सवर्थ द रेवोल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट, एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. हुज ओपिनियन इज दिस? थॉमस हार्डी, विलियम मेकपीस ठाकरे, जॉन रस्किन, प्रोफेसर हर्बर्ट रीड. संदीप, इसका पीडीएफ मिल जाएगा. मैंने क्विज 30 तक आई गेस टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है पहले, एंड 31 से 40 तक आई विल शेयर टुमारो. क्विज नंबर 40 हो जाने के बाद फिर मैं 31 से लेके 40 तक भी टेलीग्राम जो चैनल है उसमें शेयर कर लूंगी. जो लोग पहले से अटेंड करे आ रहे हैं, आपके पास है ना सारे क्वेश्चंस, उसमें से जो आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे रिवाइज कर लीजिएगा, या उससे रिलेटेड पॉइंट्स अपने पास कहीं पे एक कॉपी में, नोट कॉपी में जहां पे भी लिखते होंगे मेंशन कर लीजिएगा. स्पेशली जो हमने लाइंस वाले करे थे वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. सो बैक टू आवर क्वेश्चन नंबर 16. 16 के लिए आंसर्स हैं डी बता रहे हैं, प्रोफेसर हर्बर्ट. यस, 16 डी करेक्ट है. नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के भी एक आध आंसर्स मुझे दिख रहे हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द क्वेश्चन. वन ऑफ दीज पोएट्स इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ इवन, आइडेंटिफाई हिम. सो दिस इज लाइक इजीएस्ट क्वेश्चन. विलियम वर्ड्सवर्थ, डब्ल्यू बी ईट्स, एलेक्सेंडर पोप, विलियम शेक्सपियर. ये उस तरीके का सवाल है जो आप नींद में बता ले जाओगे, कहते हैं ना इतना आसान. सो 17.
तो शिवानंद प्रजापति आपका आंसर गलत हो गया 17 के लिए। ठीक नहीं, ठीक है, करेक्ट है भाई जी, 17 के लिए डी। यस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स वुमेन फॉर दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज। ये कई क्रिटिसिज जो हमारे क्रिटिक्स थे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, कई लोगों का ये ओपिनियन था कि ओके ट्रेजेडीज वर फाइन, पर जब आप कॉमेडी वाले प्ले के ऊपर बात करते हो तो यहाँ पे ज्यादा इवॉल्व हो के या जिनके कैरेक्टर्स के अंदर आपको ग्रोथ दिखेगा, डेवलपमेंट दिखेगा, वो कौन से वाले कैरेक्टर्स हैं? फीमेल कैरेक्टर्स। सो समटाइम्स इट इज सेड क्योंकि दीज फीमेल कैरेक्टर्स आर द एक्चुअल हीरोज ऑफ विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज। मतलब काफी ज्यादा आपको उनके अंदर वेरिएशन, चेंजेस और ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। सो उसी तरीके का स्टेटमेंट है, ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स वुमेन, जो उसके अंदर फीमेल सेंटर कैरेक्टर है, फॉर दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज। किसने कहा है? जॉर्ज गॉर्डन, डॉक्टर जॉनसन, लिनल चार्ल्स नाइट एंड ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, रचना भारती डांस कर रही। सो 18 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें एक आपके ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, सी वाला। लिनल का स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, हाउ मैनी चिल्ड्रन लेडी मैकबेथ। सो ये वर्क है, एसे या वर्क, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, हैड है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। ठीक, वैसे हमारे 18 का आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज गॉर्डन। हाँ, हाउ मेनी चिल्ड्रन, यस निराली, ध्यान रखेंगे। सो वो वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसने लिखा है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम। सो एक वो कॉलरिज वाला पॉइंट हमारा डन हो गया, फर्स्ट पर्सन टू से समथिंग अगेंस्ट थ्योरी इन हिज बायोग्राफी या लिटरेरिया, डन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस चारों में से हु इज द वन हु हैज क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम। सो रॉबर्ट ब्रिजेस, डब्ल्यू बी ईट्स, जॉन गैल्सवर्थ एंड टी एस एलियट, चार ऑप्शंस हैं। हाँ, शिखा त्रिपाठी, यस। रचना भारती कौन से क्वेश्चन के लिए कह रहे हो आप? 19 के लिए राइट आंसर है हमारे पास डी, यस। एंड क्वेश्चन नंबर 20। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, सो एक तरीके से बुराई की जा रही है। आपको काफी स्टेटमेंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पे वर्ड्सवर्थ को बुरा बोला गया है कि लाइक ही वॉज मोर कंसर्न अबाउट हिज कम्फर्ट, और जो एक्चुअल पोएट्स का होता है कि शेयरिंग योर थॉट प्रोसेस एंड राइटिंग समथिंग क्रूशियल, उसने उन्होंने वो चीज नहीं करी। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड इसी वजह से हमारा ये बहुत ही ज्यादा सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिटिसिज्म वाला। सो जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ। एक ये याद रखेंगे पॉइंट कि दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ, पर फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु रोट इट, विलियम जे लॉन्ग, ब्राउनिंग, कीट्स या फिर ड्राइडन। ब्राउनिंग, यस, परफेक्ट। 20 के लिए बी, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, मतलब हम जो ओरिजिनल पोएट्स थे और जो एक्चुअल अपने थॉट प्रोसेस, अपनी फीलिंग्स को लिखते थे, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अर्चना मैंने आप लोग को टाइम दिया कि आप अपना पढ़ लो, तैयार कर लो, और अब फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21। हु कॉल्स शेक्सपियर अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन। सो रॉबर्ट ग्रीन आई बिलीव सबको याद होंगे,
सो व्हाट ही सेड अबाउट शेक्सपियर, सो उसी तरीके से ये वाला भी एक बहुत ही ज्यादा मतलब टफ या हार्ड स्टेटमेंट कह सकते हो, अ ड्रंकन सैवेज विथ सम इमेजिनेशन. किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, टीएस एलियट ने, अलेक्जेंडर पोप ने, या फिर वोल्टेयर ने? वोल्टेयर, यस करेक्ट है. 21 पे आ गए हैं हम लोग, एंड राइट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पब्लिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क. सो ये देखते हैं कितने लोगों को पता है. फर्स्ट फोलियो 1623, सेकेंड फोलियो 1632, थर्ड फोलियो 1663 एंड फोर्थ फोलियो 1683. सो मेरे ख्याल से फर्स्ट सबको पता होगा, जितने लोग लिटरेचर से रिलेटेड है हर किसी को पता होगा. सो फोलियो रिप्रेजेंट्स पब्लिकेशन ऑफ दीज वर्क्स, और वो जिस जिस तरीके से प्रिंट होते थे उस चीज को कहा जाता था फोलियो. सो विलियम शेक्सपियर के प्ले से रिलेटेड हमारा फर्स्ट फोलियो कब आया? 1623 में, एवरीबॉडी नोज. बट व्हाट अबाउट सेकंड, व्हाट अबाउट थर्ड एंड व्हाट अबाउट फोर्थ? ओके, लक्ष्मी सागर का मुझे आंसर दिख रहा है और मुकेश रंजन का, दोनों लोगों ने ईयर मेंशन करा हुआ है, करेक्ट. कौन सा रॉन्ग है? 22 के लिए डी. ईयर क्या याद रखेंगे? 1685 है ना, और कहा जाता है कि ये फोर्थ एंड लास्ट था, उसके बाद और फोलियोस नहीं आए. क्वेश्चन नंबर 23, फोर्थ वाला याद रखेंगे, 1685. जी सुभाष आर्या. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. ग्रानविल बार्कर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गैल्सवर्थीज फॉलोइंग प्लेस एक्सेप्ट वन. Identify the odd one out. Justice, the silver box, strife, loyalties. So ये उस तरीके का क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब एकदम ही. अब कोई प्रिपेयर करते समय इतना ज्यादा डिटेल में जाके नहीं करता है प्रिपेयर. सो ये उस तरीके का क्वेश्चन है, पर आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आई बिलीव आपको आंसर इसका पता होगा. ग्रानविले बार्कर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गैल्सवर्थीज फॉलोइंग प्लेस एक्सेप्ट वन. आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट. 23 के लिए बताना है. बी सिल्वर बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 24. नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस इज ए कॉमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड. तो हमारे पास कोस्टा है, ए सी वार्ड है, ए नकोल है और स्कैम, चार ऑप्शंस. नहीं, सिल्वर बॉक्स लक्ष्मी, उसको ध्यान रखेंगे. 24 के लिए आंसर बी ऑप्शन दिख रहा है मुझे एंड इट इज करेक्ट. सो याद रखेंगे, जितने लोगों को ये नहीं पता, ट्राई टू रिमेम्बर ए सी वार्ड. एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. So today we are having five options. So first one hai, one of the giants of English poetry. So this is all related to William Wordsworth. First wale column mein aapko statements dikh rahe hain aur second wale column mein aapko usse related persons ka naam dikh raha hai jinhone in wale statements ko kaha hai. So statements ko match karna hai with their speaker or writer. And all the five related to William Wordsworth. One of the giants of English poetry, a mountain the most massive in that lofty range called Romantic Revival. One of the chief glories of English poetry, a lost leader, a moral eunuch. And options are J.C. Smith, Browning, John Crow Ramson, or Arnold, Matthew Arnold, or Percy Bysshe Shelley. 25 के लिए मेज़बीन. एक बार फिर से चेक कीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है. ए करेक्ट है, यस. 25 राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे. लास्ट वाला जो ऑप्शन है शैली का ही है. सो 5 के साथ ई है, शैली ने भी काफी कुछ बोल दिया है ना विलियम वर्ड्सवर्थ को. सो एनी वेज, ये थे हमारे 25 क्वेश्चन एंड दीज आर दी आंसर्स. एंड
एक और हमारा जब कल क्विज हो जाएगा, क्विज नंबर 40, तो फिर मैं ये सारे 31 से लेकर के 40 तक टेलीग्राम में शेयर कर लूंगी। सो आपको जो भी रेलेवेंट लगेगा उसमें से यू कैन सेव एट योर ओन एंड। ठीक है, आई होप अच्छे स्कोर्स आए होंगे आपके। एंड क्विज नंबर 40 फोकसिंग ऑन पीजीटी सिलेबस राइटर्स रिलेटेड क्रिटिसिज्म। ठीक है, एंड 41 से क्या चाह रहे हैं, एनी कमेंट्स और फीडबैक और सजेशन? क्विज नंबर 41 से क्या चाहिए आपको, लाइक जो पैटर्न है एग्जाम का उस तरीके से मिक्स 25 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस फोकसिंग ऑन लिटरेचर ओनली, और कि राइटर स्पेसिफिक कर ले किस तरीके से, एनी आइडियाज? सोनिया कल रहेगी क्लास 10 AM क्विज नंबर 40। 41 से एनी आइडियाज? स्वाति ठाकुर हीरो ऑफ पैराडाइज जी, हाँ ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि मिल्टन नहीं बता के गए कि मैंने अपने पैराडाइज लॉस्ट के अंदर किसको हीरो रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो हम और आप जो बाद में उस वर्क को पढ़ रहे, सो नॉट लिटरली हम और आप, जो दूसरे राइटर्स हैं उन्होंने जब वर्क को पढ़ा तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उस चीज को परसीव करा हुआ है। सो आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। आपको सेटन मिलेगा पैराडाइज लॉस्ट का हीरो, क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा कि मिल्टन ने समहाउ उसको बहुत ही ज्यादा ग्रैंड वे में प्रेजेंट किया हुआ है सेटन को, बट वो जो एक हमारा डेफिनेशन होता है हीरो का, जो गुड पर्सन हीरो, उसके अंदर फिर सर्टेन क्वालिटीज मैच नहीं करती हैं सेटन की। सो आप इस तरीके से कह सकते हैं, अगर हमारे पास एक राइट वर्ड है अबाउट सेटन तो दैट इज ट्रैजिक हीरो। पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और उसमें आंसर दिया हुआ है कि हमारे पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है, सेटन। सो एज पर मी ज्यादा करेक्ट आंसर है अगर हम लोग उसको ट्रैजिक हीरो कहते हैं। फिर एक सेकेंड आंसर आ जाता है एडम को लेकर भी, लेकर के भी कि ओके द स्टोरी इज अबाउट फॉल ऑफ मैन। जो पूरा पैराडाइज लॉस्ट है वो किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है कि भाई किस तरीके से देयर वाज दिस फॉल ऑफ मैन, और ये मैन है कौन? फर्स्ट मैन जो गॉड ने क्रिएट करा था, एंड दैट इज एडम। सो कुछ लोगों का व्यू या ओपिनियन एडम इज ऑल्सो देयर। फिर कुछ छोटे छोटे और भी आंसर्स आते हैं उसके अंदर, किसी का मानना है कि गॉड द सन इज हीरो, किसी का मानना है जीसस क्राइस्ट इज हीरो। सो ये है ऐसा टॉपिक, मतलब मैं भी आपको एक आंसर नहीं दे सकती बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस रिलेटेड टू दैट, है ना। तो सेटन और एडम ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें से हमारा कोई एक राइट आंसर हो सकता है। दोनों के रीजंस मैंने आपको बता दिए, वाई सेटन एंड वाई एडम, है ना। सो आपके कमेंट मिस हो गए जो भी आप लोगों ने मुझे बताया होगा। ग्रामर कह रहे हैं, एंटी प्रोटैगनिस्ट भी बोल सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि मतलब सम हाउ ही वॉज द रीजन कि ईव ने वो फ्रूट ऑफ नॉलेज वो एप्पल को खाया था। सो 2016 का पेपर, ओके 2016 पेपर लिख लिया मैंने। ग्रामर लिख रहे हैं आप लोग, कैब प्रीवियस पेपर, ओके। एग्जाम पैटर्न, अच्छा ग्रामर रूल्स, ओके। किसी का कमेंट जिन्होंने पहले लिखा है मिस हो गया, उसको कॉपी पेस्ट कर दें। प्रेपोजिशंस, हाँ पम्मी आई अग्री विथ योर पॉइंट। फिगर ऑफ स्पीच, रूल्स, अच्छा ग्रामर रूल्स बेस्ड एमसीक्यूज, मैं पॉइंट समझ गई। हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे बट अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हुए कर लेंगे। एंड अभी किसी का एक पॉइंट था लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स,
फातिमा आप लिख रहे हो? मैम आप कहाँ थी, पढ़ने नहीं आई? सो स्पेलिंग देखें, पढ़ाने की जगह पढ़ने लिखा हुआ है आपने। पैसेज ठीक। क्लॉजेस ठीक है। सो मैंने पॉइंट्स आप लोगों ने जो भी मेंशन करे लिख लिए हैं, इसके अंदर है क्लॉजेस है, फिर फोकस है 2016 के पेपर पे, देन ग्रामर एंड वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर पेपर्स, ग्रामर के रूल्स, उसके अंदर प्रपोजिशन दिखा था मुझे, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स एंड पैसेजेस, है ना? ठीक है, तो इतना ठीक है। बाकी और जो आगे की क्लासेस होंगी उसमें फिर मैं आपसे दोबारा एक बार आपके व्यूज पूछ लूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड 10 AM टुमारो विथ क्विज नंबर 40, फोकसिंग ऑन पीजीटी सिलेबस राइटर्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चंस आते हैं, यस बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार करिएगा। उसके अंदर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक के अंदर आपके कौन कौन से कैटेगरी से आ सकते हैं? एक आएगा आपका सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाले टॉपिक से, देन आपके आ जाएंगे डेक्लरेटिव टू एक्सक्लेमेटरी टू इंटरोगेटिव, ये वाले कैटेगरी से, और बहुत कम चांसेस हैं पर स्टिल आपके डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। प्लस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर और कौन से टॉपिक हैं? एक्टिव एंड पैसिव और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये सारे टॉपिक्स के अंदर आप क्या करते हो, एक फॉर्मेट का सेंटेंस आपको दिया गया होता है और आप उसको चेंज करते हो दूसरे फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस के अंदर। पॉजिटिव सेंटेंस देके नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने को बोल सकते हैं, सिंपल देके कंपाउंड में, सिंपल देके कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स देके कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स देके सिंपल के अंदर। वैसे ही डेक्लेरेटिव देके इसको एक्सक्लेमेटरी कैसे करोगे, इंटेरोगेटिव को डेक्लेरेटिव या असर्टिव कैसे करोगे आप, देन डिग्रीज मतलब बहुत ही मार्जिनली ऐसे 0.1 वाला स्कोप होता है, बट स्टिल क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं हमारे। सो पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री वाले स्टेटमेंट को सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, और ये तो आपके नोन टॉपिक हैं, एक्टिव टू पैसिव एंड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये सब आता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा कैटेगरी है, उसके अंदर ये सारे आते हैं। तो कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। फ्रेज भी लिख लेती हूँ मैं। जी सो जितना यहाँ पे मुझे आपके पॉइंट्स दिखे हैं, आई बिलीव दो सेशंस करने पड़ेंगे, एक लिटरेचर से रिलेटेड और एक ग्रामर से रिलेटेड। सो आई विल नॉट मिक्स, मैं कोशिश करती हूँ दो सेशंस कर लेते हैं, लिटरेचर स्पेसिफिक जैसे ये हमारा क्विज है इसी तरीके से चलेगा, एंड समथिंग फॉर ग्रामर, जहाँ पे आप पूरा फिर कंसंट्रेट कर सको ग्रामर और वोकैबुलरी के ऊपर। लिटरेचर मतलब एटलीस्ट उस वाले 30 मिनट्स के लिए आपको पता होगा कि भाई अभी हमें फिलहाल लिटरेचर की बात नहीं करनी है, किसके ऊपर फोकस करना है, ग्रामर के ऊपर और वोकैबुलरी के ऊपर। डन है, ऐसे कर लेंगे। स्पेसिफिक सेशंस लिटरेचर स्पेसिफिक और ग्रामर प्लस वोकैब स्पेसिफिक, थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा वो हमारे अपनी साइकोलॉजी या थॉट प्रोसेस के लिए। इम्पोर्टेंट कोट्स, हाँ इम्पोर्टेंट कोट्स, कविता उसके अंदर हो जाती होगी, मैं कुछ क्वेश्चंस करा लूंगी आपके। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख लिया मैंने। सो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना? अच्छी खासी लिस्ट हो गई है। टेक केयर, बाय, ध्यान रखिएगा और खुश रहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मत जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए नॉलेज इज फाइन, कि नॉलेज और जानकारी और मेमोरी सब इम्पॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉलेज के साथ साथ। सो कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, एंड यू विल डू गुड, है ना? टेक केयर।